नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं क्या नया हो रहा है खेल जगत। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन में आखिरी मैच खेलने के बाद भावुक हो गई। वो अपने जोड़ीदार रोहन बापत्रा साथ मिक्स डबल्स में फाइनल मुकाबले में उतरी थी, जहां भारतीय जोड़ी को हार मिली। खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी को ब्राजील की जोड़ी लुइसा स्टेफनी और राफेल मोजॉस ने 6-7, 2-6 से हराया। टेनिस करियर का आखिरी मैच खेलने के बाद सानिया मिर्जा की आंखें भर आईं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल में हारने के बाद सानिया मिर्जा भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, मेरे प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2005 में मेलबर्न से हुई थी। ग्रैंड स्लैम करियर को अलविदा कहने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती है। इस दौरान उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील की विजेता जोड़ी को खिताबी जीत के लिए बधाई दी थी। सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। वो डबल्स में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी रही है। वो भारत की इकलौती टेनिस खिलाड़ी है जो WTA सिंगल्स की रैंकिंग में टॉप 30 तक पहुंची। उन्होंने अपने टेनिस करियर में डबल्स में 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 बार फ्रेंच ओपन, 1 बार विंबलडन और 2 बार US ओपन का खिताब जीतने में सफल रही। लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद सानिया भारत की तीसरी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने डबल्स और मिक्स डबल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।